होता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत करते हैं बोलो इंडिया एक्सप्रेस के यूट्यूब मंच पर। तो ज्यादा समय आज हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार श्री बलबीर सिंह अस्सर जी के पास नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकाल के हम आप सभी दर्शकों के लिए कुछ देर की चर्चा करते हैं। सीधा सीधा सवाल सर से ये रहेगा, बहुत बहुत स्वागत है सर यूट्यूब के मंच पर। सीधा यही सवाल है, आस्था के राम या फिर सत्ता के? देखिए पंकज, बहुत ही आपने मौजूद सवाल किया है। आस्था के राम का पक्ष बहुत ही अलग है, वो भावना से जुड़ा हुआ है। और सत्ता के राम की जब बात करेंगे तो वो कर्तव्य परायणता हो जाती है। भला सत्ता को भी अगर देखा जाए तो उच्च पायदान पर परिभाषित करने के लिए राम के नाम का सहारा लेना पड़ता है। महात्मा गांधी ने लिया, महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की परिकल्पना की। राम राज यानी सर्वोच्च लोकतंत्र की सर्वोच्च सत्ता, जहां पर कोई दुखी न हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, है ना, मतलब हर व्यक्ति जन सुविधाओं से सुसंपन्न हो, उसको सुशासन का एहसास हो, है। लेकिन आज के राम अगर सत्ता से जोड़कर देखे जाए तो कहीं ना कहीं विवादित हो रहे हैं राम, है ना। राम के राम तो विवादित नहीं हो सकते हैं, उनका नाम विवादित हो रहा है। हाँ। तो आस्था के राम बहुत ही विलक्षण है, वो भाव प्रधानता के साथ हमारे साथ तो आत्मसात होते हैं। सत्ता के राम कर्तव्य परायणता का एक उदाहरण है। अब गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना को जैसा कि नरेंद्र मोदी उद्घोषित करते हैं कि हम उनकी परिकल्पना को साकार कर रहे हैं, तो उनकी परिकल्पना के साकार होने में आप लक्षण आकिएगा, उनका आंकलन कीजिएगा। तो आज की सत्ता के राम में विद्वेष है, खटास है, एक वर्ग विशेष आहत है, एक वर्ग विशेष अपने आप को सशंकित महसूस कर रहा है। तो राम राज्य में तो ऐसा नहीं था। एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं सर, तो वर्ग विशेष कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर? नहीं, विपक्ष वर्ग नहीं है। एक अल्पसंख्यक समुदाय भारतवर्ष का, वो भले ही संरक्षित हो है, लेकिन अब यहाँ पर राजनीति आड़े आ रही है। जो विपक्ष है, विपक्ष ने अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों को अपने अपने पालों में बांट रखा है। वो अल्पसंख्यक वर्ग को डरा रहे हैं। हाँ। कि अगर और ये जो सत्ता के राम है यानी नरेंद्र मोदी, ये उसको प्रलोभित कर रहे हैं कि जैसे और लोग हैं वैसे आप भी आइए, हैं, सबका साथ सबका विकास है। और इस तरह के नारे दे करके उन्होंने तमाम सारे मुस्लिम समुदाय के बीच में जाकर के एक वर्ग विशेष के मुस्लिमों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुहिम चल रही है सर। हाँ, जमीनी लेवल पर। हाँ, अगर आप देखेंगे। हाँ, तो एक बिल्किस बानो का केस था जो बहुत ही इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि उनको कितना लुभाने का काम कर रहे हैं सरकार कहीं ना कहीं। ये सच है। तो हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कर्तव्य परायणता के स्तर पे तमाम सारे विवाद खड़े हो गए हैं। सत्ता के राम में कहीं कहीं न कहीं विखंडन भाव का विलक्षण तरीके से जो विखंडन हो रहा है वो कहीं ना कहीं टीस देता है, लोकतांत्रिक भावना को आहत करता है। इसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश की हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के नायक योगी आदित्यनाथ हों, इन लोगों के माध्यम से सबको भले ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा हो, लेकिन विपक्ष ने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में इस प्रकार का
एक डर पैदा कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उसका वोट छिटक न जाए। कुछ परसेंट भी और छिटक भी रहा, कुछ आंशिक रूप से ये आपका 3-5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें राजस्थान ऐसे कुछ राज्यों में मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला है ना, इनको भारतीय जनता पार्टी को, तो वो अपनी मुहिम में लगे हुए हैं और विपक्ष अपनी मुहिम में लगा हुआ है। तो यहाँ पर सत्ता के राम और आस्था के राम हैं। ये हमारा मानना ये है कि आस्था के राम सत्ता के राम के रूप में अगर अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दें तो शायद हो सकता है कि उसका एक सामंजस्य भाव भारतीय लोकतंत्र के की अवधारणा में राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर सके। इस जगह सर एक बात कहेंगे, सबसे बड़ी बात ये बताएं सर आपको, जो सत्ता के राम है, सत्ता के राम को नहीं कहेंगे हम, सत्ता जिस तरीके से सरकार एक बड़ा बड़ा राम राज्य है, उस राम राज्य में जो सत्ता है वो सत्ता कहीं ना कहीं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो कोई XYZ हो भारत के अंदर, उस सत्ता के लिए सब दौड़ रहे हैं। बहुत एक बात आ जाती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर जाएंगे, पर हम मंदिर जाएंगे पर हम राम मंदिर 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, कभी बाद में जाएंगे। कुछ लोग विपक्ष में ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम उसी दिन जाएंगे बट किसी किसी मंदिर में जाएंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली वो भी यही दिखाना चाहते हैं कि राम राज्य ही से सरकार में आ सकते हैं। ऐसा है कि वर्गों में टुकड़ों में बटे हुए मतदाता वर्ग के साथ में के रूप में आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते हो, ये विपक्ष भी समझ चुका है। तो वो राम मंदिर से दूरी बनाना उसकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन अपनी बदनामी अपनी तोहमत से किनारा करने के लिए तब कुछ नेताओं ने ऐसा कुछ संकेत दिया है कि 22 तारीख को बड़े अयोध्या के राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न शामिल हों लेकिन वो किसी न किसी मंदिर जाएंगे। तो मंदिर जाने का उनका संदेश जनता को ये देना है कि हम भी हिंदुत्व के पक्षधर हैं, मतलब हिंदुत्व के पक्षधर नहीं, हम आपके के भावना के हितैषी हैं, लेकिन हमको वोट दो। और सर इसी जगह हम एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आस्था की तरफ जा रहे हैं, क्या ये गठबंधन हो या ये विपक्ष हो या हम पूरा इंडिया अलायंस की बात करते हैं, क्या अब ये भी ये जान चुके हैं, ये भी ये समझ चुके हैं कि राम में पूरा भारत हो गया है, अब इसका कोई तोड़ नहीं है, ना इसका तोड़ अब बेरोजगारी रह गई है, ना इसका महंगाई रह गई है, ना भुखमरी के इंडेक्स में इतना भारत नीचे आ गया, ना उसको लेकर, ना चारों तरफा इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं टैक्स भारत में पड़ रहा है लोगों के लिए, और सबसे अहम बात हम आपको बताएं कि शिक्षा का स्तर किस तरीके से आप देख रहे हैं, नीचे रोज गिरता जा रहा है, शिक्षा पे भी कभी बात कर लेंगे। शिक्षा के स्तर की बात अगर आप करेंगे तो ये आज़ादी के बाद से अब तक शिक्षा के सुधार का कोई प्रयास ही नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही है ना सर, ये नरेंद्र मोदी जब नई शिक्षा नीति लेकर आए तो इसी विपक्ष ने विरोध किया, समझे, तो इनकी तरफ से एक पहल हुई है, अभी वो धरातल पर नहीं आ पाया नई शिक्षा नीति को लेकर के, है ना, और आंशिक रूप से थोड़े थोड़े कहीं सुधार भले महसूस किए जाए लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा आज भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैकाली शिक्षा पद्धति को ही अपना करके राजनेताओं ने अपने समर्थक वर्ग से नारे लगवाए हैं, अपना पिछलग्गू बनाया है, तो वो नहीं चाहते हैं कि भारतवर्ष का संपूर्ण समुदाय साक्षर और जागरूक हो करके है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल तो इसमें दोष सारे राजनेताओं का है हम तो ये मानेंगे। और जैसा कि शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसका बेहतर इम्प्लीमेंट हो, उसका बहुत अच्छे ढंग से अनुपालन हो, तब भविष्य में कहीं उसके कुछ लक्षण सामने आ सकेंगे, लेकिन आज शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, है ना, अपने यहाँ ये क्या नाम स्वास्थ्य की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएँ इतनी एक तो विकसित नहीं है और दूसरी बात तमाम ऐसे रूरल एरिया हैं जहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं ही नहीं पहुँच पाती, बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, बुनियादी बहुत सारे काम
भारतीय जनमानस के बीच में होने की आवश्यकता है ना। तो नहीं सर, जैसे हमने कहा था कि विपक्ष लोग जो मंदिर जाएंगे उस पर थोड़ी आपकी क्या राय है कि मंदिर ही जाना क्यों जरूरी हो, बेरोजगारी के लिए धरना प्रदर्शन क्यों जरूरी नहीं है, या सरकार के मतलब जो सरकार कर रही है फिर विपक्ष होने का मतलब क्या है? हमें तो ऐसा लगता है खुद ही जिता रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भव्यता का ऐसा पूरे भारतवर्ष में वातावरण आच्छादित कर दिया है, उसको इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया है जन समुदाय को, तो विपक्ष भौचक्का है। ठीक है सर, हाँ भौचक्का है। हाँ तो उनको लग रहा है कि कुछ भी मिल जाएगा हमको, है तो ताकि ये संदेश न जाए कि हम हिंदू विरोधी हैं। हाँ, है ना, हिंदुत्व के विरोधी हैं। और जबकि ये सत्ता में जब भी रहे तब इन लोगों ने तुष्टिकरण किया, उसका दुष्परिणाम आज भोग रहे हैं। बिल्कुल सर, चलिए उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं विपक्ष। ना देखिए, ना कट्टर हिंदुत्ववाद चाहिए भारतवर्ष को और ना तुष्टिकरण चाहिए। बिल्कुल रूप से बिल्कुल सही कहा, लोकतांत्रिक हमारी आस्था के तहत, संविधान के प्रति आस्था के तहत, लोकतांत्रिक आस्था के तहत हमारा देश का राजकाज चलना चाहिए। ये हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल सर। तो दर्शकों, आज की चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चर्चा शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।